Happy birthday to you! Happy birthday! हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ्स लाइफस्टाइल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि है हमारा एक स्मॉल वेकेशन ट्रिप था, जो कि हम लोग ने 2 डेज फार्म हाउस में बिताए। तो हम लोग ने फार्म हाउस में क्या क्या एंजॉय किए हैं मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आए थे एक फार्म हाउस जो कि नियर नवसारी है। अगर आपको फार्म हाउस की डिटेल्स और उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगी। तो हम लोग आके ऑलमोस्ट हम लोग 7:30 को घर से निकले, तो हम लोग को फार्म हाउस आते आते 8:30 हो गए थे। तो हम लोग इधर आके खाना बना रहे थे, तो उसके लिए हम लोग सारे वेजिटेबल्स कट कर रहे थे और इधर ये लोग बच्चे लोग पानी में एंजॉय करने के लिए खुद गए। देख सकते हो इधर हम लोग सारे गर्ल्स और लेडीज जो भी थी सब लोग है ना वेजिटेबल्स ये सब कटिंग कर रहे हैं। कुकिंग में थोड़े जन लगे हैं। हमारे फार्म हाउस में किचन ये सब था, देख सकते हो ये पूरा किचन है। किचन में एक छोटा सा फ्रिज, एक फिल्टर पानी के लिए और गैस सिलेंडर और स्टोव था, गैस स्टोव। ये है हॉल पूरा सा बड़ा सा, जो कि हमारे फैमिली के लिए ऑलमोस्ट सेट हो गया था पूरा। और हॉल में ही कनेक्टेड हॉल से ही स्विमिंग पूल दिया है इधर। और हम लोग ने थोड़े बहुत मस्ती मजाक किए इधर। देख सकते हो इधर पनीर की सब्जी और रसम बनाए थे हम लोग। ये है फ्रिज छोटा सा। फार्म हाउस आ रहे हैं करके सारे वेजिटेबल्स और जो भी राशन अपने को नॉर्मल डे के लिए लगता है वो सब हम लोग ने पहले से ही खरीद के सब ले लिए थे और इधर आके सारा प्रिपरेशन कर रहे थे। हम लोग ने सबने हंसी मजाक करते हुए खाना बनाया, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे खाना बनाते वक्त भी, क्योंकि पूरी फैमिली साथ थी, बहुत दिनों से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो इसलिए हम लोग गए थे फार्म हाउस पूरी टाइम फैमिली को दे सके करके। और इधर है थोड़े बहुत स्वीट राइस बनाए थे तो वो सबको खिलाए पहले। Happy birthday to you!
पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए सब जन। यहाँ पे खाना खाना होने के बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। सब लोग बहुत थक गए थे। एक रूम में सारे जेंट्स सोए थे और एक रूम में सारे गर्ल्स सो गए थे। गेट, 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 बस, बस, आई चला गया। अरे भाई क्या चल रहा है? और ये है नेक्स्ट डे के दिन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग ने इडली सांबार चटनी ये सब बनाए थे सुबह उठ के। और ये है बाहर से फार्म हाउस इसकी टूर, जो कि हम लोग वॉक के लिए निकले थे सुबह में। तो हमारे घर के सामने ही जो हमने रूम रेंट लिया था उसके सामने ही क्लब हाउस था। ये है हमारा पूरा रूम। मैं अभी आपको हमारा पूरा फार्म हाउस टूर कराऊंगी। ये है गेट, जैसे कि आपने अंदर एंट्री करते हैं एक साइड है पूरा गार्डन एरिया, जो कि गार्डन एरिया में बड़े बड़े ट्रीज है और एक झूला है। और ये है बाजू वाली घर, बाजू वाला फ्लैट यानी। और यहाँ से अपने अंदर जाते ही सबसे पहले आता है मेन एंट्रेंस। ये है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से अंदर जाते ही ऐसा पूरा लुक दिया है इधर। और मेन एंट्रेंस से जाते ही ये पूरा हॉल है। हॉल में है दो सोफा और एक जो अपने गांव में यूज़ करते हैं ना वो बेड है। और एक साइड है पूरा कांच ग्लास और उसके उस साइड है पूरा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में सुबह उठ के ही पानी भरना स्टार्ट कर दिए। देख सकते हो ये पूरा जो है हॉल का व्यू है। और इधर मेरी बुआ बना रही है इडली। देख सकते हो इसे आटा पोर करके उसे स्टीम करने के लिए रखना है। और ये है किचन। किचन में एक फ्रिज और ये सब है। और इधर वॉश एरिया है पूरा। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर है टू बेडरूम्स। ये है ये एक इधर दो बेडरूम्स है। एक बेडरूम है लेफ्ट की तरफ और एक बेडरूम है स्ट्रेट। ये लेफ्ट बेडरूम में सारे गर्ल्स सो गई थी रात को, इधर अभी सब चिल कर रहे हैं। और ये है दूसरी बेडरूम जिसमें सारे बॉयज सो गए थे, ये देख सकते हो। और ये है बाहर का व्यू ऊपर से, जो कि पूरा ग्लास से लगाया हुआ है। तो ऐसे ग्लास स्लाइडर ओपन करेंगे तो सी बड़ी सी बालकनी दिखेगी अपने को। और उस बालकनी से व्यू बहुत सुंदर था, देख सकते हो पूरे के पूरे ट्रीज और गार्डन एरिया दिख रहा है यहाँ से। और ये है नीचे की हॉल का व्यू। हॉल से जो बाहर की व्यू है वो है, स्लाइडर से इसे ओपन करते ही अपने बाहर जा सकते हैं। और ये है हमारा गार्डन एरिया। गार्डन में जो कि बच्चों के लिए जो मेन गार्डन था, सारे फ्लैट्स के लिए एक गार्डन था, वहाँ पे बच्चों के लिए ऐसे छोटे छोटे राइड्स रखे थे तो उसमें बच्चे एंजॉय कर रहे थे। देख सकते हो ये बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पे बहुत फ्रीली था। और यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं वॉक के लिए। ये दुन्ना दित्तर अंते नेचुरल अंते। देख सकते हो हम गेट के बाहर जा रहे हैं। गेट के बाहर का नेचर भी बहुत सुंदर था। और ये है मेन एंट्रेंस के पास का वीडियो। और ये है पाम विडोज फार्म हाउस, जो कि फार्म हाउस के हाउसेस का असली नेम है, फार्म विडोज फार्म हाउस करके।
अगर आप ये नाम गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एड्रेस ये सब मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो मैं एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। तो ये है पूरा बाहर से व्यू, देख सकते हो रोड भी कितना शांत और कितना मस्त है। ए पिला गान लाडी डुपा गान ली बसुल पण यहाँ पे है, टू साइड है, एक साइड 24 हाउसेस है और एक साइड 24 हाउसेस ऐसे अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा वॉक खत्म हो गया, अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे सब राइड्स एंजॉय कर रहे थे इधर। आ जा ना भटको, मजा आया। ऐसी सारी चीज़ें रखी गई जिससे बच्चे जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत गार्डन में बैठ के थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड किया सनराइज लेते हुए। आओ आओ आप जाओ पहले आओ। मैं बड़ा ना, तू बड़ा है, आ जाना। ये देख सकते हो यहाँ पे, अरे आ जाना, आ ही नहीं रहा था, अरे आ जा। बहुत एंजॉय किया ये सारे राइड्स पे जो भी था। और हम लोग वॉक करके आके ब्रेकफास्ट करने बैठ गए सब लोग। फिर हम लोग ने पूल पार्टी करना स्टार्ट कर दिया। तो पूल पार्टी में ऑलमोस्ट सब लोग ने बहुत एंजॉय किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। छोटे से लेके बड़े बच्चों तक ने सब ने एक ने भी नहीं छोड़ा पूल में एंजॉय करना। देख सकते हैं हमारी पूल फैमिली फोटोज की जा रही है इधर। देखो भाई अभी देखो देखो बराबर देखो बराबर देखो అట్లనే ఉండాలి
हमारा पूल पार्टी ख़त्म होने के बाद सब लोग फ्रेश अप होके खाना खाने बैठ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और एक राउंड एक्चुअली बॉयज़ और गर्ल्स का आने के बाद अभी बारी है लेडीज़ की। ये सब लोग खाना खा रहे थे, फिर हम लोग बाहर बैठ गए थोड़ी देर चिल करने के लिए और फिर हम लोग ने रील्स किए, बहुत सारे वीडियोस बनाए और फोटोज़ खिंचाने के लिए सब लोग रेडी हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी पूरी फैमिली जो है ऊपर बालकनी में खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए पोजेस दे रही थी अलग अलग। और ये है हमारा फार्म हाउस टूर ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग पैक कर रहे हैं घर जाने के लिए। हम लोग घर पे जा रहे हैं अभी, मतलब होटल जा रहे हैं। हमारा पिकनिक हो गया, अभी घर पे जा रहे हैं। पिकनिक का वेकेशन दी फार्म हो वेकेशन है ढूंढ रहा बंदा कोई भी फार्म हाउस जो है ओनली 24 आवर्स ही देते हैं, तो 24 आवर्स के लिए अपने को अलग अलग सीजन्स पे अलग अलग चार्जेस रहते हैं, तो वो सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको जाके विजिट करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रास्ते में बीच में एक होटल के पास रुके थे फ्रेश अप होने के लिए, तो उधर भी थोड़े बहुत रील्स बनाए, फ़ोटोज़ खिंचाए, एंजॉय करे, टाइम स्पेंड किए और निकल गए वहाँ से भी। रात के डिनर करने के लिए होटल गए थे। होटल में हम लोग हैं मतलब बहुत मस्ती करते हैं, तो ऐसे ही मस्ती करके हमारा जो 2 days ट्रिप था हमने एंजॉय किया, मेमोरेबल बनाई है। और ये है हमारे थोड़े बहुत मेमोरेबल पिक्स जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।